व्हाट इज अप किल फैमिली, सभी का भाई दिल से स्वागत है गाइस पीआर किल फैक्ट्स में। एंड गाइस सभी लोगों का दिल से स्वागत है ब्रह्मांड की इस दुनिया में। सो गाइस, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि सोलर सिस्टम का हमारा बॉस है सन। सन के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि जितने भी 8 प्लैनेट्स है वो सन को ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। पर गाइस 8 प्लैनेट्स को छोड़ो, बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको छोड़ो, आज हम बात करने वाले बुध ग्रह के बारे में, ठीक है, जिसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं, ठीक है। सो गाइस, क्या आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ, कि मर्क्यूरी को कोई भी मून नहीं है। सोलर सिस्टम में ऐसे 2 प्लैनेट है वैसे तो, पर मर्क्यूरी को कोई भी मून नहीं है और सेकेंड प्लैनेट है वीनस, इन दोनों को एक भी मून नहीं है, ठीक है। एंड गाइस मर्क्यूरी पता है क्या, सन का रोटेशन लेने के लिए करीबन 88 डेज लगते हैं। 88 अर्थ डेज अगर आप गूगल में जाकर चेकआउट करोगे तो वहां पर लिखा गया है कि सन का एक पूरा ऑर्बिट करने के लिए, एक पूरा रोटेशन लेने के लिए मर्क्यूरी को करीबन 88 डेज लगते हैं एक रोटेशन खत्म करने के लिए, ठीक है। एंड गाइज अगर हमें अर्थ से मर्क्यूरी बुध ग्रह पर अगर हमें जाने का है तो उतना बीच का डिस्टेंस है 77 मिलियन किलोमीटर। मतलब 77 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा तब जाकर हम मर्क्यूरी पर जा सकते हैं, ठीक है। पर गाइस आज मैं आप सभी लोगों को इन सारे फैक्ट में से आज बिल्कुल अलग फैक्ट बताने वाला हूँ, इन शॉर्ट सुनाने वाला हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को बुध ग्रह मतलब मर्क्यूरी की आवाज़ सुनाने वाला हूँ। हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट मर्क्यूरी, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि बाकी के प्लैनेट्स के भी हमने धीरे धीरे आवाज़ सुन रहे हैं, अब मर्क्यूरी का आवाज़ कैसे होगा। सो गाइस इसके पहले मैं एक क्वेरी, एक कंसेप्ट सॉल्व कर देता हूँ। जो स्पेस है बिल्कुल वैक्यूम की तरह, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन 100% उठता है और मुझे कमेंट में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि स्पेस तो बिल्कुल वैक्यूम की तरह है, स्पेस में साउंड ही नहीं है। सो गाइस ऐसा नहीं है, स्पेस में साउंड है पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। और हमारे पास अभी ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र, ऐसे मशीन्स आ चुके जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को पकड़कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़कर मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उन आवाज़ों को हम सुन सकते हैं। तो जो भी प्लैनेट का आवाज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रहता है उसको मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर हम सुन पाते हैं। सो गाइज आप लोगों के आगे आ रहा है मर्क्यूरी का आवाज़ इन 3 2 1, लेट्स गो। सो गाइज अगर आपको आज का फैक्ट सुनने में मजा आएगा तो लीव अ लाइक, शेयर करो, कमेंट करो गाइज, सब्सक्राइब करो विद नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलता हूँ ऐसे ही नए नए प्रकार के फैक्ट्स लेकर। एंड गाइज तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड गुड बाय।